हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीकली एनालिसिस की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इस वीक में परफॉर्मेंस रह सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी बनती हुई जा रही है, कैसे वहाँ पे अलग अलग कंडीशन में क्या सिचुएशन आएगी जिसमें हमें टैकल करना पड़ सकता है सिल्वर को। तो जो भी कंडीशन रहेगी लर्निंग पर्पज़ के लिए है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस में हम यहाँ पे देखेंगे। बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके आपको एंट्री एग्जिट का प्लान करना होगा कि मार्केट क्या है, सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क होता है। ऑलवेज आपको प्लान करके चलना पड़ता है, विद इन रिस्क आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को करना पड़ता है। मैंने आपकी जो Q&A थे, क्वेरीज थी और मेरे जो आंसर्स थे वो वीकली बेसिस पे विद बेसिक मैंने आपको आपके साथ शेयर किया है। अगर आप देख सक नहीं देखें तो बाहर जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ लर्निंग कंटेंट मिल जाएंगे। साथ में जो इंडियन मार्केट के विषय में न्यूज़ अपडेट चल रही है उसके विषय में मैं आपके लिए रेगुलर अपडेट नाइट में देता रहता हूँ। जैसे लगभग 10 बजे के आसपास आपको वीडियो रेगुलर वैसे मिलती रहती है। नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ जिसमें आपको टाइम टाइम पे अपडेट मिलती रहती है। अब चलते हैं हम सीधे चार्ट पे। फ्रेंड्स, जैसे हम चार्ट का रेगुलर स्टडी करते हैं और सारी कंडीशन को लर्न करते हैं, इन सभी के बीच में अगर आप देखोगे चार्ट की स्टडी के विषय में देखते हैं और सीखना चाह रहे हैं, तो इसमें अगर आप सिंपल देखते हैं, हम लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम प्रीवियस जो इसकी कैंडल बनी मंथली टाइम फ्रेम में, ये हमारे बड़े व्यू के लिए रहती है, मंथली, वीकली, डेली, फिर आवरली। इस वजह से हम वन बाई वन करके चलते हैं। यहाँ अगर आप देखते हो 94,600-97,000 के आसपास ये रेंज इसने बना रखा है। इतना बड़ा अमाउंट है तो प्लस माइनस आपको 200 से 300 पॉइंट आपको लेके चलना पड़ता है, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, इतना आपको विद इन रिस्क रेंज रखना पड़ता है। क्योंकि जो भी यहाँ पे बाई करता है, सेल करता है, जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस होता है जो बाई कर रखे हैं, और ऊपर स्टॉप लॉस होता है जो सेल कर रखे होते हैं। इस तरह से सिचुएशन चलती है। अब यहाँ पे करंट कैंडल को अगर आप देखते हैं तो इन्हें जो हाई लगाया है 94,489 के आसपास का हाई है, और लो लगाया है इसने 87,355 का। एक अभी इसमें 2 वीक की ट्रेडिंग हुई है, 2 वीक की ट्रेडिंग में ओवरऑल जो अगर वॉलेटिलिटी देखते हैं तो यहाँ पे 94,000 से लेके 87,000 तक का रेंज आ चुका है। तो अप्रॉक्सी मोर देन 7,000 पॉइंट से ज़्यादा का वॉलेटाइल मार्केट बन चुका है, डाउन साइड आ चुका है। अब यहाँ पे जो बायर्स बने हैं उनके लिए, सबसे पहले बायर्स के लिए अगर ये ऊपर जाता है तो एक एक थाउजेंड पॉइंट पे आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब नीचे मार्केट जाता है तो सेंटीमेंट्स अभी भी इसके निगेटिव ही बने हुए हैं, जैसा भी हम फर्दर वीकली व्यू में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 86,000 का जो लेवल ले रखा है, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आप देखते हो 2021 में जब इसमें एंट्री हो गई थी अगस्त में, पूरे आप देखेंगे अगस्त 2021 से 2023 अगस्त तक पूरा लगभग, और 2024 मई में निकला है, तो लगभग 1 साल 2 साल के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग रही है। मंथ वाइज अगर आप देखते हैं तो लगभग इसमें 15 से 16 महीने इसमें ट्रेडिंग इसी रेंज में बनी रही है। स्पाइक लगाता था लेकिन फर्दर नीचे आया था। अब इसको ब्रेकआउट किया है इसने, तो ब्रेकआउट करना है, उसके बाद में सस्टेन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट करने के बाद इसे सस्टेन नहीं किया है। सबसे पहले हमारे लिए था 92,000 का लेवल, उसके नीचे अगर निकलता तो 90,000 ब्रेक करते हुए 89,000 का लेवल, 89,000 के नीचे अगर ये सस्टेन करता हमारे लिए 86,000 का लेवल, ये इस तरह से मंथली व्यू में कुछ निकलने वाले थे। अब ये ऐसी कंडीशन क्यों बन रही है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम में। ये वीडियो इतनी डिटेल में मैं आपके साथ इस वजह शेयर करता हूँ जिससे आपकी लर्निंग बढ़े, सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करें। अब यहाँ फ्रेंड्स, कंडीशन अगर आप देख रहे हैं जो कल हम वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, इवनिंग की एनालिसिस जो हमारी थी वीकली टाइम फ्रेम में, अगर आप देखते हो तो जो ये रेंज 86,000 का था ये इंपॉर्टेंट था, उससे पहले 87,500 इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था। वहाँ अगर आप देखोगे तो एक कैंडल आई है, स्पाइक लगाया है और फर्दर रुका है। अभी दोबारा से इसको जो इसने लेवल बनाया था उसके ऊपर निकल चुका है। अब निकलने के बाद में एक कंडीशन जो यहाँ पे वीकली में अगर आप देखते हो तो ये स्पाइक इसके लिए बने हुए हैं छोटे छोटे, ये अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और ये जो लेवल इसके लिए 89,000 का लेवल है, 89,000 अगर आप देखते हो तो ये अच्छा यहाँ पे जोन का काम कर रहा है, फिलहाल इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब मंडे की ओपनिंग इंपॉर्टेंट होती, इस समय मार्केट जो ये 3 से 4 वीक की अब कैंडल देखते हैं, वॉलेटिलिटी आप सिंपल देखिए, बिग कितनी बड़ी बन रही है और उसकी कंपेरिजन में कैंडल कितनी छोटी छोटी बन रही है,
इस वीक में अभी जो ट्रेडिंग हुई है ये ऐसी कैंडल बनाई है कि इसके लिए मूवमेंट बहुत ही इजी है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि ये स्पिनिंग टाइप की कैंडल है, छोटी सी कैंडल है। इसमें यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी बनी है, लेकिन सेलर अभी भी स्टिल ज़्यादा ही बने हुए हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अगर आप देखते हैं तो लास्ट वीक का सेलिंग काफ़ी अच्छा था, पिछले दो वीक से सेलिंग हो रही है। तो यहाँ बायर्स के लिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की इस वजह से है क्योंकि छोटी छोटी कैंडल बनाता हुआ जब ये ब्रेकआउट करेगा तभी ये हायर साइड जाने की कोशिश करेगा। अभी ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन अगर आप देखते हो, जो जितने भी डेटा आते हुए देखने को मिल रहे हैं सारे पॉजिटिव फेवर में देखने को मिल रहे हैं, उसके कारण ये सारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो इस वजह से ये कंडीशन बनी हुई है। 88,000 के आसपास तक का मार्केट टच किया है, 87,300 के आसपास इसने लो लगाया है। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है 86,000 इम्पोर्टेंट लेवल रहेगी। वीकली में भी अगर आप देख रहे हो, मंथली में भी ये इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है। अगर यहाँ से ये नीचे निकलता सबसे पहले 87,500 के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, जो कि 89,000 से लेके 90,000 के बीच में फर्दर ये छोटी छोटी कैंडल बनाए। अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे बहुत छोटे टारगेट्स के लिए देखना होगा आपको, बड़े टारगेट्स के लिए बचना पड़ेगा। यही अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो डेली कैंडल की अगर स्टडी कर रहे हैं तो EMA का सपोर्ट अभी डाउन साइड के लिए बना हुआ है। ये इसको डाउन साइड बनाने की कोशिश कर रहा है, जब इसके ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करेगा फिर उसके बाद में आपको 1,000 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 92,000 मैक्स लेवल है, इस वीक के लिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अदरवाइज मार्केट के लिए 90,500-400 ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के काम करेंगे। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम का ये रेजिस्टेंस है 90,000। वीकली का अगर बात कर लेते हैं 87,500 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इस बीच में इसको 1 से 2 दिन बिताना चाहिए। और जो मेजर इवेंट थे अभी करंट वीक जो आने वाला है, अपकमिंग वीक, इसमें बहुत बड़े मेजर इवेंट्स नहीं हैं। अब मेजर इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जुलाई मंथ में। अगर यहाँ पे आप देखते हो छोटी छोटी कैंडल बना रखी है, फिर 3 दिनों 4 दिनों की ट्रेडिंग करते हैं, इवन पूरे वीक की ट्रेडिंग करते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो इसमें आप देखोगे ओवरऑल कंडीशन क्लियर इंडिकेशन नहीं है। आप यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि बाई करना है सेल करना है। ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात कर लेते हैं, जो बिग व्यू बड़े व्यू अगर आप देखते हैं तो बड़े व्यू में अभी भी ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है। अगर इस कैंडल को आप देखते हैं और नीचे अगर सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी हमने ड्रा कर रखा है, अगर यहाँ से ऐसा कुछ ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो अभी बड़े व्यू में ऑलरेडी ये नेगेटिव कैंडल बनी हुई है, लेकिन कंडीशन और सिचुएशन कंटिन्यू चेंज होती रहती है। अगर यहीं पे कोई ऐसा न्यूज़ आ जाती है जो इसको पुश करती है, ओवरऑल कंडीशन क्या है, इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी स्टिल काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, लेकिन जो US चाइना का वार है उसके कारण से इतनी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। साथ में जो अमेरिकन मार्केट है उसमें डेटा काफ़ी फेवर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके डेटा के बेस में अभी फिलहाल के लिए कुछ चेंज होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है कि फेड रेट में कुछ चेंज करेंगे। या अपकमिंग जो 3 रेट कट हुआ था वो रेट कट कम होते होते 1 रेट कट पे बैठ गया है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। अभी भी स्टिल हम यहाँ पे अगर 90,500 तक हम स्टिल यहाँ पे बेट एंड वॉच सिचुएशन में रहेंगे, स्मॉल क्वांटिटी के साथ में ट्रेंड बेच और वॉच सिचुएशन का मतलब है कि आपको इतना यहाँ पे रेंज बनानी है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। डेली में अगर 4 दिन की ट्रेडिंग देखते हैं 5 दिनों की, तो किसी भी दिन ऐसा नहीं कि डायरेक्शनल मूव किया हो। इवन 4-5 दिन इवन जून की स्टार्टिंग से ही अगर आप देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 1 by 1 करके कैंडल जो बनी हुई है ग्रीन रेड मतलब क्लियर कट इंडिकेशन नहीं बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको डायरेक्शन चेंज करना है तो इसका फिर 89,000 के ऊपर ओपन होना चाहिए और ये 90,000 के बीच में ट्रेड करना चाहिए। कुछ टाइम बिताए, जितना टाइम बिताएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे लोगों के सेंटीमेंट्स चेंज होंगे, फिर यहाँ पे बड़े व्यू के लिए जाने का प्रॉफिट होगा। अदरवाइज तब तक के लिए आपको थोड़ा बायस ही रहना पड़ेगा, क्लियर इंडिकेशन नहीं रहेगा। दूसरा भी यहाँ पे अगर 4 आवर में अगर आप देखते हैं, 4 आवर कंडीशन में इसने एक अच्छी कैंडल बनाई है जो ये हायर साइड की बनाने की कोशिश कर रहा। तो आपको जैसे मैं शेयर करता हूँ 200 से 400 पॉइंट 600 पॉइंट तक का रेंज लेना आपके लिए बहुत ईजी है, लेकिन इतना लेके आप साइड हो जाएँ उसके बाद में सिचुएशन देखें तभी आप प्लान करें। अदरवाइज जब बड़े मूव के लिए देखते हैं, अगर यहाँ पे आपने बाई किया सीधा सोच रहे हैं कि 92,000-94,000 के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको बड़े स्पाइक देखने को मिलेंगे, वो स्पाइक के लिए आपको रेडी रहना होगा। अब यहाँ 4 आवर पे कंडीशन अगर जो बनी हुई फ्रेंड्स 87,700
87,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उससे पहले अगर आप देखते हो 88,000 का लेवल है। अगर हायर साइड में निकलता तो सबसे पहले इसको 89,000 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर क्लोज करना स्टार्ट करता तो इसके लिए फिर 90,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद में 90,400, फिर 91,000, ये सारे रेजिस्टेंस बनते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद में ट्रेंड लाइन एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कंडीशन अभी भी यहाँ पर बायस क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है, जब तक मार्केट में क्लियर इंडिकेशन ना हो। क्लियर इंडिकेशन तभी हम मानते हैं या फिर आपको डेली टाइम फ्रेम में कैंडल चेंज हो जाए, हायर हाई करे या उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज करे या नीचे क्लोज करे। फिलहाल के लिए अगर बड़े व्यू में आप देख रहे हैं तो ट्रेंड स्टिल निगेटिव है, लेकिन विद इन रिस्क हमें ट्रेड करना है। अगर ये 89,000 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आपको 91,000 का लेवल देखने को मिलेगा। इनके से नीचे रहता है कंटिन्यू तो आपको 87,000 ब्रेक करता हुआ दोबारा से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंडीशन ये है, इसके हायर साइड में ऊपर का टारगेट ओपन हो जाएगा, डाउन साइड में नीचे का टारगेट ओपन हो जाएगा। दोनों कंडीशन में देखेंगे, जो भी कंडीशन आएगी रिस्क रिवार्ड के बेस में हम आपको डेली मॉर्निंग और इवनिंग में शेयर करते रहते हैं। आप उसके लिए मेरे साथ जुड़े और रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड